शाबाश, बिल्कुल वन इज करेक्ट आंसर। लेकिन देखो बेटे, कोई है जिस कोई एक लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसका नाम है, कोई है खुर्शीद कुछ नाम है, वो लिखता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और भाई साहब कुंभलाए थे दुनिया में, वो वन ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सोचना बराबर एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय शुगर में एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। एन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बराबर शुगर में बराबर एन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो डिनोमिनेटर जो ना दशमी सेम डिपेंड, तो इसलिए जो है ना डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए ऊपर सिंपल टर्म बनेगा बेटे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, वन के अंदर वाज एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट गेट्स कैंसिल और आंसर इक्वल में वन।